जी अभी जो है फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है, अमीजान हम जा रहे हैं। सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, हम खैर खैरियत लिए हमें जाना पड़ रहा है और बहुत सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जा भी रहे, खुश रहे, बात रहे, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। अमीना कहाँ जा रही है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी काम हुआ हो फिर जो है ना सौरभ मुझे तंग ना किया करो। देखे माशाल्लाह नाश्ता हो रहा है, नाश्ता त्यौहार भी हो गया है, खा भी रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें जी सवेरे सवेरे का नाश्ता करना है। हाँ जी सही है, कुछ नहीं कि मैं भूखे पेट बैठे रहूं, बेहोश नहीं बनूं। सही है, नाश्ता करते भी थे। हाँ जी बेगम साहबा इधर आ गई हैं, हो गई फ्री, नाश्ता करने का इरादा है। हाँ जी करेंगे। सही है, बीबी क्या कर रही है? रोटी खा रही है वो देख। ओए 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 क्या तू भाई, ये क्या है कार? रोटी खाओ आओ। माशाल्लाह जी इधर देखो नाश्ता रेडी है, दादी जान भी खा रही है नाश्ता। राइट तक कितना खा रहे? रात तक रोटी खा दी गई थे। फ्रूट खा तो रजी पिया में, मैं के फ्रूट खा तो रजी पिया में। माशाल्लाह दादा जान भी नाश्ता कर रहे हैं, इधर देखें अम्मी जान भी बैठ के ये नाश्ता कर रही हैं, बाकी हम रहते हैं। आप लेट हैं माशाल्लाह बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये देखे हमारी रोटी भी लग चुकी है, बैठे बेगम साहिबा। कहाँ पर बैठने का इरादा है? इधर ही बैठ गया, टेक लग के बैठ गए, रास्ता छोड़ना चाहिए था आपको, इधर इस तरफ बैठना चाहिए था, है ना? इधर अब कौन आएगा, इधर से गुजरेंगे नहीं नाश्ता करके। ये देखें जी दाल का पर, ये इतनी सारी रोटी सारी हमने खानी है क्या? रात कम खाए थे सबने, इसलिए ना आज ये वो क्या कहते हैं, ये जुर्माना डबल करके दिया है। चलें बेगम साहिबा इधर जुर्माना लगा हुआ है, डबल करके खानी है। समझ आई कि अगली भी गई? नहीं इतनी हमसे खाई नहीं जाएगी। चलें फिर सलाम दुआ लें फिर खाना खाएं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझ कैसी आप सब लोग ठीक हो गए, जान रहे, खुश रहे, बाद रहे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। और अभी जो है हम नाश्ता कर रहे हैं, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है हमारे साथ। बीबी क्या खा रही है? रोटी। शेबू क्या खा रहा है? दाल। दाल खा रहे हो? ओ ये कौन है? ओ ओ ओ छुप रही है, कहाँ भाग रही हो? पहले देख रही थी अब भाग रही है। आपको बुला के ले आई है, आ जाओ रोटी खाओ, आप तो खाते नहीं। चलें जी अभी नाश्ता करने है, किसी को करना है तो आ जाए, क्या ना क्या करोगे? नाच पा आगे आ जाओ जी, अभी जो है कहीं जा रहे हैं हम, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बेगम इधर बैठी है। हाँ जी, जी क्या सोच रही है? बीबी कहाँ गई है? बीबी बुलाऊं? वो नीचे गई है। अच्छा ये देखा, ये क्या है, ये क्या तोड़ा हुआ है? ये इसको खाते नहीं है, गंदा होता है, नहीं खाओ गंदा है। ऐसे खेलो, कोई काम तो नहीं है, चौक पर जा रहे हैं। नहीं चलो सही है। हाँ जी चौक पर जा रहे हैं। फिर वो क्या सोचा है, तैयारी है जाने की उधर के? नहीं हाँ देखेंगे पिछले टाइम, अभी मैं इनको नहला के कपड़े धोने के, मरियम के यही है जो पहने हुए हैं। चलो जो काम शाम है जल्दी से निपटा लो, हम चौक से भी होके आ जाते हैं फिर प्रोग्राम बना लेते हैं। जाना लाजमी है ना, जरूरी काम है, फिर देर हो रही है, फिर घर भी जा रहे हैं। हाँ जी ओके चलें। हाँ जी चलें। माशाल्लाह जी अभी चलते हैं नीचे, वहाँ से चलते हैं।
चौक पर सूरज देखें ये आ गया है। टाइम जो है तकरीबन 10 बज गए हैं, दिन के 10 बजे का टाइम है। तो जी चौक पर गए थे और जो काम गए थे वो तो हुआ नहीं, अभी वापस आ गए हैं। और यहाँ पर पेट्रोल महंगा होने की सूरत में फिर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बेगम साहब इधर बैठी हैं, बच्चों को सुला रही हैं। हाँ जी सुला रही हूँ। बीबी तो वहाँ पट के पड़ी है, ये सोएंगे फिर कपड़े धोएंगे। जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लो ना, फिर मैं जाता हूँ पेट्रोल पवा के आता हूँ, फिर चलेंगे। मरियम को भी नहला दिया है, दांत निकाल रही है, कपड़े सूखेंगे तो चलेंगे, अभी तो धुले ही। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी सो धो लो, बैठी रहोगी तो फिर वो ही होगा ना, सूखेंगे फिर ना जाएंगे। नहीं आज मेरे सिर में दर्द है, फिर ऐसे दिन आगे हो रहे हैं। नहीं वैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आज नहीं जाना, फिर टाइम आगे हो जाएगा, फिर मसला बन जाएगा जाना, मेरे लिए नहीं आपके लिए। नहीं चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपने कितनी देर लगती है? थोड़ी सी देर लगेगी, एक सूट मेरा है बाकी बच्चों के है। हाँ जी, एक आपका है बच्चों के है, फिर मैं नहाऊंगी तैयारी करूंगी। ऐसे बोलती रहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, इधर ही बैठी रहेंगी। नहीं पहले कपड़े धो लूंगी फिर बाद में नहाऊंगी। हाँ ये भी सो रहे हैं ना, इनको झूला दे रहे हैं आप, काम निपटा ले जल्दी जल्दी से। और ये देखें ये दूसरा पर्दा लगा दिया है। हाँ जी गुजारा कर रहे हैं, पर्दे का रेट तो आपने सुना है। पर्दे लेने गए थे वॉशरूम के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी फैमिली है ना तो नीचे प्रॉब्लम बनती है, बच्चे फिर बड़े फिर लाइन लगा के बैठे रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पर गए तो उन्होंने रेट ही ऐसा बताया कि चुपचाप करके वापस आ गए। हमारी किस्मत ऐसी है कि पेट्रोल फिर से और महंगा कर रही है ये हुकूमत, और वहाँ पर जो क्या पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल बंद करके बैठे हैं, वो दे ही नहीं रहे। मैं तो ऐसे देखे बाइक पैदल खींच खींच के पसीनों पसीनी हो गया हूँ, फिर भी आटा उठाना सा चक्की थे वो भी उठा के आया हूँ पैदल। चलो अभी देखता हूँ अपनी बाइक में पेट्रोल खड़ा है कुछ, वहाँ से डालता हूँ फिर जाता हूँ दूसरे पंप पर। नहीं मिला पेट्रोल? नहीं वहाँ पर नहीं मिला, और फिर जब यहाँ पर ऐसे घर के सामने आया ना चक्की पर फिर ख़त्म हो गया, मुदा करके भी आया फिर भी आगे नहीं जा सकता मैं, कि पैदल खींचूँ फिर पैदल, फिर इधर से आटा उठाया पैदल ही खींच के, आटा घर रखा है अभी तो मैंने कहा मेरी बाइक में थोड़ा सा खड़ा होगा वो निकाल के उधर डालता हूँ फिर जाता हूँ बूस्ट पंप पे पेट्रोल पाने। हाँ अच्छा ये जो है ये मार्बल है, इस मार्बल में कील ठोक जाते हैं या टूट जाएगा? ये टूट जाएगा, लगेंगे तो इधर से लगेंगे या नुक्कर में या इस जगह पे, ये नहीं तो ये किस्म की कांच की तरह होती है, ये टूट जाएगी। कील अगर इसमें ठोकेंगे नहीं जाएगा, टूट जाएगी। नहीं ये टूट जाएगी सारी, ये इस तरह होती है जैसे शीशे की नहीं टैलें बनी होती हैं, ये इस तरह की ये ईटें बनी हुई हैं मार्बल वाली, तो ये इस तरह टूट जाएगी। इसके हाल बता, ये नुक्कर है ना कौन है ये देखें, इसमें थोड़ा वक्फा होता है, ये आगे पीछे हो जाती है नुकरें इसकी, तो यहाँ पर लग सकता है लेकिन इसके अंदर कहीं भी नहीं लग सकता। या ये एक के अंदर जहाँ भी आप लगाओगे ना ये बराबर है, तो वो सारी टूट जाएगी, चूर हो जाएगी जैसे शीशा टूटता है। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि इसमें कील नहीं ठोक सकता। नहीं इस तरफ तो लग जाएंगे, इस तरफ नहीं लगेंगे। वो अंदर वाला जो दूसरी साइड वाला पर्दा है ना, हाँ उसको लगाना था नीचे की तरफ से। वो आपने बाहरी साइड पर लगा देना था, क्योंकि इधर से लगा देना चाहिए था, इधर मार्बल नहीं लगी हुई है, आपको पर्दा ही करना है ना, तो ये आप जो है ना इस तरफ से लगा देना चाहिए था। हाँ
अंदर से वो किल उखाड़ के ये पर्दा बाहर वाली साइड से लगाएंगे, फिर इसको मैं सोच रहा हूँ नीचे से भी किल लगा के बंद कर, एक साइड जो है ना ये वाली ये मुकम्मल बंद कर देते ताकि वो वाली साइड होगी जहाँ से हम जा रहे हैं। हाँ सही है, तो ये बाहर से लगेंगे, अंदर ये टूट जाएगी मार्बल सारी। हाँ चलो इसको उखाड़ के बाहर लगा देते हैं, इसको पक्का फिक्स कर। हाँ इस तरह सेटअप होगा, ऐसे में टूट जाएगी फिर वो अच्छी भी नहीं लगेगी। सही है, चलें जी ये सेटअप कर रहे थे अभी, जैसे मैं बताया है वैसे ये मार्बल है ना ये शीशे की तरह होती है, ये टूट जाती है। इधर बेगम साहिबा खड़ी हैं, क्या धो रही है ये बच्चों के फीटर धो रही है। सही है, सो नहीं गए अब? सो गए अब, कपड़े धोती हूं। मशीन पे धोगे हाथ रहे नहीं, पे। थोड़े से हैं। चलो सही है, धो ले हाथ पे जल्दी जल्दी। ओके तो अभी देखें जी, मैं जो है पेट्रोल डलवा के आ चुका हूँ, वो मैंने किया क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये मेरी बाइक खड़ी है, इधर मेरी बाइक जो है वो पंचर हुई हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए खड़ा कर दिया है, इसके अंदर कुछ पेट्रोल भी है। जब मैं वहाँ से आया था तो थोड़ा सा इजाफी डलवाया था कि मेरे साथ बच्चे थे, कहीं पर भी ख़त्म ना हो जाए फिर मसला बन जाता है, तो इस वजह से कुछ उसमें पेट्रोल बाकी था तो मैंने थोड़ा सा पेट्रोल वहाँ से निकाला है इसमें डाला है। तो फिर मैं गया हूँ पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर मैंने जा के पता किया है, तो यहाँ पर चौक पर ना 3 पेट्रोल पम्प आते हैं, तो एक बंद था, 2 बंद थे, तीसरे पर मिल रहा था वो भी उन्होंने 200 का दिया है। तो अभी अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ वहाँ से, दोपहर के खाने का टाइम भी हो चुका है और देखते हैं आज क्या बनाने का मूड है। यहाँ पर देखें दादी छुरी लेके बैठ गई है, छुरी चाट बह गई, क्या कपे से हैं? कद्दू कपे से हैं। हाँ जी, हमारी जो नानी है ना ये अपने घर में ना सब्जी काटती है, तो इधर आती है ना हमारे घर तो कहती है काटने का तो पता है, काटने का तो पता नहीं, वो लेने भी खुद गई होती है, मैं देखता हूँ है ना। हाँ वो ले आती है ना टाइम से, ले आऊँ और फिर काटूँ। इधर भी ऐसे ही करती है, जब भी सब्जी ले आओ ना पहले ना कहती है मुझे दे दो, मैंने काटी। मैं सब देखने वाले बहन भाई बोलेंगे कि इतनी बुजुर्ग हैं उसके उनसे ना सब्जी कटाते हैं ये, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से करती है, कहती है बर्दाश्त करती है। तो पूरे गर्मियां जो है गुजर गई, हमने ना पहली बार आज ये सब्जी ली है। अच्छा, बड़ी अरसे बाद और पहली बार ये क्या उसे बोलते हैं कद्दू मंगाए हैं। हाँ जी। नहीं ये तो अच्छी खासी और ठंडी सब्जी है। हाँ जी। खानी चाहिए ये, देखें जी कद्दू है आज लेकर आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, इतने मोटे भी नहीं है। हाँ, नरम कद्दू है। चलो सही है बनाए माशाल्लाह। देखें जी अभी सो रहा है, बीबी किधर जा रही है पानी भरने। हाँ ठंडा पानी ले आओ, पियेंगे प्यास लगी है। बेगम साहिबा इधर बैठी हैं। हाँ जी। कपड़े धो लिए हैं? हाँ जी धो लिए। अब नहाने का इरादा है? हाँ जी अभी धो के आई हूँ, फिर कपड़े निकाल के रख दिए, अब जा रही हूँ। सही है, पेट्रोल डलवा आया हूँ मैं। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से 200 का मिला है, वहाँ तक पहुँच जाएगा कि रास्ते में। नहीं वो इधर से अगले पंप से भी फिर डलवाएंगे, दूसरा है ना एक चक वाला, इधर एजेंसियाँ लगी होती है ना वो नहीं बंद करते, ये पंप वाले बंद करते हैं रोड पर। सही है, चलो खाना वगैरह खाएंगे, अभी खाना रेडी हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आ जाएगा शाहबाद भी, फिर चलेंगे। सही है। ओके इंशाल्लाह जी। देखे दोपहर के खाने का टाइम भी हो गया है और नानी जी आई हुई है माशाल्लाह। हाँ जी। आप हमारे पीछे पीछे तो नहीं आ गई हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, आज देखे कद्दू बनाए हैं बहुत ही प्यारे। मेरी पसंदीदा की चीज आज बनी है। हाँ आप जब हमारे घर आई थी ना तो मुझे पता है जिसके घर भी कद्दू पके होते तो आप लेने जाती थी। हाँ जी ये माशाल्लाह गर्मियों की सही है, ठंडी होती है। हाँ जी इधर देखे दादी जान भी खा रही हैं।
कि मैं भाजी सही बनी पी है मजे दी है दादी ताज बाबा खुश थी बैठी है कद्दू खाते है इधर दादा जान भी खा रहे हैं आ जाएं आप भी खाना खा लें मरियम ने खा लिया आपने खा लिया कद्दू शरीफ सही है ये देखें बेगम साहिबा ने रोटी उठाई हुई है कहाँ पर बैठे हैं इधर बैठ जाते हैं ये देखें ये बच्चे ने खा ली है रोटी खा ली है बीबी 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 बुलाऊं बात ही नहीं सुनती है रोटी खा ली खा के अब खेल रहे हैं आदि ये कहना रोटी खा के दी आदि ये कहना हाँ जी चलो किसी बहन भाई को खानी है तो आ जाए हमारे साथ ये देखें कद्दू शरीफ की बहुत ही ज़बरदस्त ये बेगम साहिबा की फेवरेट तो नहीं है लेकिन हमारी तो फेवरेट है नहीं अब खानी तो है जैसे भी हो फेवरेट हो या ना हो ये तो बात है चलें फिर शुरू करें बेगम साहिबा तो कहती है रोज या चिकन हो या बिरयानी आज बोल रही थी कि बिरयानी बनानी थी मैं क्या बिरयानी शिरयानी नहीं मैंने कहा वो भी इतने अच्छे खासे तो नहीं है हम चलेंगे चलो कुछ हम करेंगे कुछ वो तो फिर आपको जो है ना बिरयानी खिलाऊंगा मैं चलो चलें इधर खाएं रोटी अभी तो जी। शाम को फिर जो नसीब होगा वो मिलेगा हाँ जी बेगम साहिबा नहा धो के फ्रेश हो चुकी हैं जी इधर देखें जरा गर्मी हो गई है अच्छा माशाल्लाह इधर ये कुड़िया चांदी पिए ये खैर है कहाँ की तैयारी पकड़ ली है कपड़े शपड़े पैकिंग शैकिंग हो रही है जाना है इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है किस काला के घर किस काला के घर मैं देखने जा रही हूँ गुड्डी गुड्डी देखने जा रही हो कहाँ पर गुड्डी है अच्छा शेबू भी जा रहा है बीबी इधर देखो इधर देखो बीबी ने सुर्खी लगाई है सुर्खी कितना लाता हमें ईमेल लाता हमें कौन लवाए कौन लवाए अम्मा लवाए वाह जी वाह इतना ही लवाए इतना इतना शेबू सुर्खी लाता हमें सुरमा पाता हमें अच्छा शेबू ने सुरमा पाता है वो बोलता है मैं सुर्खी नहीं लाया वो लड़का है कौन सा सुर्खी लगा रहा है वो अवेश पागल है वो देखें बोलता है इधर सुर्खी लगाई है ऐसे हाँ जी लड़के सुर्खी नहीं लगाते हैं वो लड़कियां लगाती हैं अभी हो गया था सामान पार्सल ये कपड़े सारे पैक करने हैं अच्छा चलो सही नीचे जा रही है चलो ठीक है आ जाए देखते हैं क्या कहते हैं प्यास भी लगी है पानी पीते हैं चले जी अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है ये देखें बेगम साहिबा रेडी हैं बैग भी उठा लिया है कपड़े वाला छापर भी उठा लिया है ये अभी फाड़ देंगे ये इसको छोड़ दो फट जाएगा अवेश ये देखें जी अभी हमारी तैयारी हो चुकी है ओके हो गया जा रहे हैं हाँ बस हम जा रहे हैं क्या हो गया बस वो जरूरी काम है इसलिए अचानक हमें जाना पड़ रहा है हाँ जी है ना बेगम साहब हाँ जी काम भी वो जरूरी है इसलिए हमें अचानक जाना पड़ रहा है इंशाल्लाह वो जहाँ जाएंगे वो भी एक सरप्राइज है सरप्राइज रखा हुआ है वो भी इंशाल्लाह बहन भाइयों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज है हाँ जी है ना हाँ जी आपको पता है सरप्राइज है हाँ जी माशाल्लाह मुझे देखना है तो इधर देख लीजिए जी ये अम्मी जान की अलमारी जब तक यहाँ पर है शीशा तो हम देख सकते हैं आराम से वो बंदा सीढ़ियाँ से आते जाते सीढ़ियाँ से करते लेते सब जो है नजर शीशियो है वो सीढ़ियों से उतरो तो सीधा यहाँ पर नजर आता है ये देखें ऊपर चलो सीधा आता है नीचे उतरो सही आता है नीचे चलें जी ओके हो गया
अरे जी अभी जो है फैमिली हमारी तैयारी हो चुकी है, अम्मी जान हम जा रहे हैं, हमें जरूरी कुछ काम है, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। तो एक जरूरी काम है, वो सरप्राइज है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, और वो सरप्राइज आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, आपने जुड़े रहना है। तब तक के लिए जो है ना हमें इजाजत दे, नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतजार करना है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक यहीं पर ये एंड करते हैं, मिलेंगे, हमें इजाजत है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत है इसलिए जो है ना दुकान खिलस जाती है।